और जैसे कि हमारा ऑर्डर है वो रेडी हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ यहाँ पर। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, ये स्ट्रीट है, ठीक है। यहीं पर ही मैंने थोड़ा सा इनका टेबल है, इसी को यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये हमारे नाचोस हैं, मैक्सिकन नाचोस। दूसरा हमारा है मैक्सिकन ट्विस्टर नाम है इसका, साल्सा पिज़्ज़ा है ये हमारा, ठीक है। ये तीनों ही हमारे आइटम हैं यहाँ पर। मैं एक बार आपको अब ये मैक्सिकन नाचोस टेस्ट करके दिखाता हूँ। और ये देखिए जो इसका बनाया हुआ तंदूरी की, और कितना चीज़ी है ये, आप देख सकते हैं चीज़ से फुल भरा हुआ है ये। ये देखिए हमारी जो चीज़ है उससे फुल भरा हुआ है ये, ठीक है। और जो इसके अंदर चीज़ डाली गई मेज़ोरेला की चीज़ है, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। टेस्ट इसका बहुत ही प्यारा आ रहा है। और ये हमारे कॉर्न है, देखिए आप एक बार देख सकते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें चीज़ भरी हुई है, काफ़ी टेस्टी है। बाकी इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स डाल रखे हैं, ये देखिए कैप्सिकम ऑनियन वगैरह इसके अंदर डाला हुआ है। ये था हमारा नाचोस, ये हमारा ट्विस्टर, ये हमारा बर्गर है ये। और इसके अंदर जो स्टफिंग की गई है ये देखो एक बार देख सकते हैं आप। तो जो ट्विस्टर हमारा जो बर्गर है, बताया गया है जिस तरीके की, ये बर्गर स्पाइसी है, जो इसके अंदर जो पेटी है वो स्पाइसी डाली गई है। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको। तो इसका जो टेस्ट है काफ़ी स्पाइसी टाइप में आ रहा है, और इसके अंदर सब कुछ डाला हुआ है जो भी है। जैसा इसका नाम है ट्विस्टर, वैसे ही इसने मेरे को ट्विस्ट कर दिया इस टाइम पे। खाने के बाद थोड़ा सा अजीब सा हो गया है, बाकी टेस्टी है काफ़ी। बाकी पिज़्ज़ा हमारा ट्राई करते हैं, ये देख सकते हैं आप, फुल चीज़ से भरा हुआ है और काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है ये। बाकी ये हमारे इसमें जो होते हैं, मैं ऐसे ट्राई करूँगा इसको। काफ़ी चीज़ी है, देख सकते हैं हम, एकदम चीज़ से फुल भरा हुआ है। जो जो मैंने ऑर्डर किया है काफ़ी टेस्टी है, बहुत ही बेहतरीन लगा मेरे को यहाँ पर। और आप लोग, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर विज़िट करते हैं नाइट में आपको, अगर आपको कुछ भी खाने के लिए ना मिले तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ इनका नाम, और ये जिस तरीके से इनका है हॉट एंड क्रस्टी, जिसके नाम से है बनाया हुआ इन्होंने, काफ़ी छोटा और अच्छा स्टॉल बना रखा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर भैया बैठे हुए हैं, और अंदर इनका किचन है छोटा सा, ठीक है। और सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है, आप अपनी गाड़ी या व्हीकल या किसी भी थ्रू आ सकते हैं। बाकी भैया एक मेरे को बताइए कि ये ऑनलाइन डिलीवरी भी सर्व करते हो आप यहाँ पर? कितने किलोमीटर की रेंज में है आपके नियर बाई में? 300 की रेंज में, 3 किलोमीटर की रेंज में, 3 किलोमीटर की रेंज में। और जोमेटो स्विगी पे अवेलेबल है? स्विगी पे नहीं है, जोमेटो पे अवेलेबल है। और आप वहाँ पर से ही ऑर्डर करके अपने घर पे मंगा सकते हो। बहुत ही प्यारा है टेस्ट इनका। नाइट में सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि नाइट में सब कुछ बंद हो जाता है। कितने बजे से खुला रहता है ये? सुबह 10:30 से 12 बजे तक रात को खुला रहता है, तो आप 12 बजे तक यहाँ पर मंगा सकते हैं। और बाकी यहाँ का जो लोकेशन है एक बार बताएंगे भैया, यहाँ पर अगर कोई विजिट करता तो कैसे आएगा, किस तरीके से? नरेला मेन बस स्टैंड। अच्छा, मेन बस स्टैंड पे ही इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और टेस्टी है, बहुत सारी चीज़ें इनके पास, बहुत सारी वैरायटियाँ भी हैं और भी, ठीक है। मैं यही कहूँगा आप लोग विजिट करें, यहाँ पर आएँ, टेस्ट करें, रिव्यू दें। और यही कहना चाहता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लोकेशन पर। थैंक यू सो मच।